मशीनों ने हम इंसानों की जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है। चाहे हमें घंटों कपड़े धुलने से फुर्सत दिलाना हो या फिर मुश्किल खेतों के कामों को आसान बनाना हो, एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इन मशीन्स के साथ सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ये मशीन्स इंसानों के साथ साथ जानवरों की लाइफ को भी कितनी आसान बना चुके हैं, हमारी आज की ये वीडियो उसी के बारे में है, जहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी से लैस ये मशीन्स जानवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी एडवांस मशीन्स की ये खास वीडियो। नंबर वन, ऑटोमेटिक फीडर। ये एक हाईटेक एडवांस मिक्सिंग मशीन है जिसका मेन काम जानवरों के लिए चारे को आपस में मिक्स करने का होता है। इस मशीन का वर्किंग प्रोसेस शुरू होता है चारे को उठाने से, जहां पर ये ढेर सारे चारे को उठाती है और फिर इसमें कई तरह के मिनरल्स को आपस में ऐड किया जाता है ताकि निकलने वाले दूध की क्वांटिटी बढ़ाई जा सके और जानवरों को किसी भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पाए। जब एक बार तमाम न्यूट्रिएंट्स को मिलाने के बाद ये चारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तो ये मशीन्स इन चारों को ले जाकर जानवरों के आगे डालने का काम भी कर देती है। नंबर टू, हूफ केयर मशीन। इस खास मशीन को खास तौर पर उन बड़े बड़े जानवरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनके खुर होते हैं, और इस मशीन की मदद से खुर की सफाई करी जाती है। इस मशीन को कुछ इस तरह से तैयार किया गया रहता है कि इसके बीच में गाय या फिर भैंस बड़े ही आराम से आ सके, और जब एक बार ये जानवर इस मशीन के बीचों बीच आकर फंस जाते हैं ना, तो इनके सर और पैर को मशीन में अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है, और इसके बाद इन मशीन्स को उल्टा करने के बाद शुरू होता है जानवरों के खुरों की अच्छे से सफाई। इसमें इन जानवरों को भी काफी ज्यादा मजा आता है जिस वजह से वो बड़े ही आराम से अपने खुरों की सफाई करवाते हैं। नंबर थ्री, काउ ब्रश। अब इस मशीन को देखकर जरूर आपके मन में भी यह ख्याल आएगा कि काश ऐसा कुछ इंसानों के लिए भी बनाया जाता। जी हाँ, ये मशीन खास तौर पर जानवरों के लिए बनाई गई है। जैसे अगर उन्हें स्किन पर कहीं खुजली हो जा रही है या फिर कुछ अजीब लग रहा है तो वो इन ब्रशेस के पास आकर उसके घूमते हुए रोलर में अपनी बॉडी को टच करके अपनी खुजली को मिटा लेते हैं या फिर कई बार अपनी बॉडी का मसाज भी करवा लेते हैं। नंबर फोर, शीप शेयर्स मशीन। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि शीप से निकले ऊन के बनाए गए कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह की मार्केट में कितनी डिमांड होती है और उसे काफी ज्यादा महंगे महंगे दामों पर लोग खरीदते भी हैं। इसीलिए भेड़ों को मेनली पाला भी जाता है ताकि इनसे वूल निकालकर अच्छी खासी कमाई करी जा सके। इस मशीन की मदद से कोई भी एक व्यक्ति भेड़ों के शरीर से ऊन को छील देता है और जब सभी ऊन इकट्ठा हो जाते हैं तब इन्हें यहाँ से उठाकर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर फाइव, पटूरा मिल्क एक्सप्रेस। ये मशीन स्पेशली गाय के बछड़ों को फीडिंग करवाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसमें सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में दूध को भर लिया जाता है और फिर कुछ खास तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को भी इसमें मिला दिया जाता है, और जब ये पूरी तरीके से रेडी टू फीड हो जाता है ना, तो मशीन को बछड़ों के बीच में लाया जाता है, जिसे देखते ही बछड़े मशीन की तरफ भागते हुए आ जाते हैं और फिर उसमें लगे थन जैसे स्ट्रक्चर्स को पकड़कर दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये बेशक ही होती एक मशीनी है लेकिन इसके थन बिल्कुल असली गाय के थन के जैसे ही होते हैं, और दूध में मिलाए गए न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स बछड़ों को किसी भी तरह की होने वाली परेशानी से भी बचाता है। नंबर सिक्स, मिल्कोमैक्स। ये एक ऑटोमेटिक एडवांस मशीन है जिसकी मदद से गाय और भैंस का दूध निकालने का काम किया जाता है। सामान्यतया जब घर में गाय और भैंस का पालन होता है तो वहां पर इस मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज वगैरह में गाय और भैंस का डेयरी बिजनेस शुरू किया जाता है ना, तो वहां पर हजारों की संख्या में गाय होती हैं और वन बाय वन इनका दूध निकालना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और फिर ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, इसीलिए इस कंडीशन में इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की ऑटोमेटिक आर्म वाले स्ट्रक्चर सबसे पहले गाय या फिर भैंस को अपने से स्ट्रक्चर में फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इन मशीन्स में लगे हुए ब्रश राउंड राउंड घूमते हुए गाय के थनों पर जाकर लग जाते हैं और फिर उसे साफ करते हुए उसे मिल्किंग प्रोसेस के लिए पूरी तरीके से तैयार करते हैं, और अगले स्टेप में मशीन में लगे सक्शन पंप लेजर की मदद से गाय के थनों को ढूंढ लेती है और उसमें फिट होकर दूध का सक्शन शुरू कर देती है। यहाँ पर गाय को भी कोई परेशानी नहीं होती और वो बड़े ही आराम से दूध देती रहती है, जो कि एक पाइप की मदद से होता हुआ एक बड़े से टैंक में स्टोर हो जाता है। नंबर सेवन, चिकन हार्वेस्टर मशीन।
अगर आपने कभी गांव की सैर करी होगी और किसी को मुर्गी पकड़ते हुए देखा होगा तो बेशक यह आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन अगर यही बात 100 से 200 मुर्गियों की हो तो क्या उन्हें पकड़ना पॉसिबल है? तो शायद नहीं। ऐसी सिचुएशन में मदद ली जाती है ऐसी मशीन्स की जहां पर इसे चलाने के लिए कई नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति की ही जरूरत पड़ती है, जिसमें लगे हुए सॉफ्ट रबर बैंड्स घूमते रहते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन्स इन मुर्गियों को पकड़ पकड़ कर लोड करने का काम बड़ी ही आसानी से कर दे रही है। ये मशीन एक घंटे में ही लगभग 8000 से 9000 मुर्गियों को पकड़ कर लोड करने का काम करती है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी होता है कि इससे मुर्गियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें लगे रबर बैंड्स काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। नंबर 8, फीड पुशर। ये मशीन भी ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल्ड है, जिसका उपयोग गाय और भैंस को चारा खिलाने के समय किया जाता है। दरअसल ये जानवर चारा खाते वक्त उसे कई बार अपने मुंह से इधर उधर फैला देते हैं, जिस वजह से चारा फैल जाता है और वो उसे फिर खा नहीं पाते हैं। तो इन मशीनों की मदद से चारों को समेटने और उन्हें गाय और भैंसों के मुंह के पास ले जाने का काम किया जाता है, ताकि वो अपना खाना उतने ही आराम से और अच्छे से खा सके। नंबर 9, फीडर लीडर मशीन। इस मशीन की मदद से चारे के बंडल्स को खोलने का काम किया जाता है, क्योंकि जब इसमें घास की पूरी रील को लगा दिया जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से घूमते हुए आगे बढ़ती है और जानवरों के खाने वाली जगह पर इन घास के बंडलों को गिराते जाती है। नंबर 10, गोट फार्मिंग। इस मशीन की मदद उस फार्म एरिया में ली जाती है जहां पर बकरियों का पालन होता है। जनरली बकरियां जहां पर रहती हैं वहां पर बार बार उनके सूसू और पॉटी करने की वजह से वो जगह काफी ज्यादा गंदी हो जाती है और वो जगह बकरियों के रहने के लिए साफ भी नहीं रह जाती। ऐसे में इस मशीन की मदद ली जाती है, जिसमें घास के एक बड़े बंडल को मशीन में डाल दिया जाता है और मशीन में लगे ब्लेड्स घास के इन बड़े बड़े बंडल से घास के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसे इस मशीन की मदद से चारों तरफ फैला दिया जाता है, जिससे वो जगह बकरियों के आराम करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। नंबर 11, फार्मिंग स्क्रैपर। अब जानवरों को पालना जितना फायदेमंद होता है उतना ही ये मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो दूध तो देते हैं लेकिन उसी मात्रा में गोबर और गंदगी भी करते हैं, जिसे साफ करने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। लेकिन जब ये एक दो जानवरों की बात होती है तो इंसानों के लिए इसे साफ करना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब ये बड़े फार्मिंग लेवल पर आती है ना, जैसे कि 100 से 200 गायों के गंदगी और गोबर को साफ करना, तो ये किसी एक या फिर दो इंसान के बस की बात नहीं रह जाती है। ऐसे समय में सहारा बनकर आती है ये मशीन। जब भी फार्म में गाय के गोबर और उनके द्वारा करी गई गंदगी को साफ करना होता है तो इस मशीन को चला दिया जाता है, जो कि बेहद ही धीरे धीरे चलते हुए अपने साथ सारी गंदगी को एक बार में इकट्ठा कर लेती है और इससे जानवरों को कोई भी दिक्कत नहीं होती और फिर वो आराम से अपना चारा खाते रहते हैं या फिर आराम करते हैं। ये मशीन एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है, जो कि बड़े ही आराम से गाय के गोबर को खींच कर गोबर प्लांट में पहुंचा देती है। नंबर 12, बेल्स रैपिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल सामान्यतया जानवरों के चारे को रैप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब जानवरों के चारों को ऐसे रैप करके रखा जाता है ना, तो वो काफी लंबे समय तक सही सलामत और अच्छी क्वालिटी में बने रहते हैं। इस मशीन की मदद से घास के बेल्स को प्लास्टिक की मदद से रोल कर दिया जाता है। नंबर 13, शीप केयरिंग मशीन। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो कि काफी बड़े लेवल पर भेड़ों को पालने का काम करते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा ही ऐसी मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब उनका पालन पोषण किया जाता है तो उनका सही ध्यान रखना भी उसमें एक जरूरी स्टेप होता है। इस मशीन में एक लाइन बनाई जाती है जहां से हर भेड़ को होकर गुजरना होता है। जैसे ही भेड़ मशीन के मेन एरिया में आता है, इसके आउटर स्ट्रक्चर्स भेड़ को फिक्स कर लेते हैं और इनकी वजह से बॉडी टेम्परेचर से लेके सब कुछ मेजर किया जाता है। अब अगर सब कुछ ठीक होता है तो इन्हें आगे फ्री कर दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ परेशानी होती है तो इन्हें आगे दबा दी जाती है और उसके बाद इन्हें फ्री किया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।